उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा आज मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय पर पुरानी पेंशन और धारा 18 व 21 की बहाली की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन का प्रभावी आयोजन किया गया। आगरा मंडल अध्यक्ष श्री भीष्म भद्र लवानिया की अध्यक्षता में आयोजित इस धरना प्रदर्शन में आगरा मंडल के आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद पर मैनपुरी की सड़कों सैकड़ों शिक्षित शिक्षिकाओं की सक्रिय भागीदारी रही। इस अवसर पर मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक की ओर से उपस्थित जिला विद्यालय निरीक्षक आगरा को शैक्षिक संघ की ओर से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व विधायक सुरेश कुमार त्रिपाठी ने इस अवसर पर कहा कि वर्षों तक किए गए संघर्षों और बलिदानों के बाद सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को जो सेवा सुरक्षा और सम्मान प्राप्त हुआ है उसको छीन कर शिक्षकों को प्रबंधकों के शोषण के दायरे में लाया जा रहा है। इन उपलब्धियों को पाने के लिए स्वर्गीय ओम प्रकाश शर्मा ने बहुत पसीना बहाया था। अब इन्हें बनाए रखने के लिए हमारी एकजुटता व संघर्ष आदरणीय शर्मा जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हो। सुरेश कुमार त्रिपाठी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक। औचित्य उद्देश्य है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की सेवा सुरक्षा छीन ली गई है, उन्हें पुरानी पेंशन नहीं दी जा रही है, उनके अन्य जो मांगे हैं उसकी नहीं पूर्ति की जा रही है। इसीलिए प्रदेश के प्रत्येक मंडल में शिक्षक इकट्ठा होकर अपनी मांगों को के प्रति बल प्रदान कर रहा है और कह रहा है कि हमारी नहीं वापस होगी तो भविष्य में हम इससे भी बड़ा धरना और प्रदर्शन करेंगे। मैं डॉक्टर राजेश, आज का धरना जो है धारा 21 सरकार द्वारा हटाई गई है उसकी पुनः बहाली के लिए दी जा रही है और पुरानी पेंशन जो हमारे बहुत लंबे समय से मांग है जिसके लिए हम सभी संघर्षरत हैं और हमें चाहते हैं कि हमें पुरानी पेंशन मिले और ये जो धाराएं हटाई जा रही है धारा 21 हटाई गई है उसकी पुनः बहाली के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आज इसी संदर्भ में धरना दिया जा रहा है। ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार अपने दिए गए निर्णय को वापस नहीं लेती और हमारी पुरानी पेंशन बहाल।